शुक्रिया जनाब, आप यहाँ पे तशरीफ लाए हो, ये हमारे लिए एक बड़ी बहुत बड़ी किस्मत की बात है। आप यकीन नहीं करोगे, इससे पहले भी एक मैच यहाँ पे हुआ, उससे ज्यादा क्राउड उस टाइम यहाँ पे था, जो 25 तारीख का मैच हुआ था, शायद वो लोगों ने लाइव भी देखा था। मगर मुझे बदकिस्मती से ये कहना पड़ता है कि मैं आप कश्मीर क्राउड को देख यहाँ पे मैं बहुत ज़बरदस्त खुश हुआ हूँ। आप ये यकीन करो, आप अश्टर भाई, आप खुद अपनी आंखों से इस वक्त जो विजुअल देख रहे हो कि लोगों क्राउड यहाँ पे कितना है, मगर बदकिस्मती से हमारा ये कहना पड़ता है ये एक ऐसा ग्राउंड है जो जे एंड के में मुझे लगता है वो डेस्टिनेशन है जो वर्ल्ड मैप पे आप अपना गुलमर्ग जो आप लेके जाओ वहाँ उसी एरिया का ही ग्राउंड है। इस ग्राउंड की जहाँ तक हालात आप देख रहे हो ये बदते बदतर है। जो भी हमारे पिछले कुछ लोग मुझे स्पेशली किसी को गिना नहीं चाहता हूँ कि क्या हुआ है, क्या पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, मैं स्पेशली LG साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ और अपनी DC मैडम जो है उनसे भी मैं मुतमना गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप ये देख लें जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे यूथ हैं इस वक्त ड्रग्स प्रेडेटर में जो फंसे हुए हैं, जब वो आके ये माहौल देखते हैं शायद उनके दिल में जो ये बदनामी जो होती है कुछ भी वो चेंज होता है। वो आप यकीन नहीं करोगे, एक हमारी लोकल टीम यहाँ की थी और दूसरी टीम शायद बारामूला शरीक की थी, उनका आज मैच था। आप देखो उनको जितना भी यहाँ पे लोकल सपोर्ट है वो उनको दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि सब बच्चे अपने हैं, माशाल्लाह हम खुश होते हैं कि अपने यूथ इन स्पोर्ट्स में रहें, इन खेलों में रहें, अच्छी बात है ड्रग्स से बचें। तो और आने वाले वक्त में भी हम इंशाल्लाह अज़ीज़ ऐसे ऐसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करेंगे यहाँ पे, जो बिल्कुल हम इन यूथों को ये एडवाइस दें कि आप ड्रग्स के पीछे मत जाओ, आप स्पेशली इनके खेलों के पीछे आओ। और दूसरी बात, ये तो आपने अभी एक बात बोली कि हमारा जो गुलमर्ग इतनी खूबसूरत जगह है, वर्ल्ड मैप पे है, ये हर एक को मालूम है, ये इधर हर एक बच्चे को मालूम है। अपना जाती मसला ये सोच है, जब उनकी बातों पे वो करते हैं कागजी, वो ये काम नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ शायद बोल के लोगों को खुश कर रहे हैं, अपने यूथ को खुश कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड पर वो खुश नहीं कर रहे हैं। अब अशरफ साहब ये देखिए, हमारा एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सामने में है, आप यकीन नहीं करोगे अगर यहाँ पर कोई बच्चा खेलते हुए जख्मी हो जाए हमें उसको जो रेफर करना पड़ेगा श्रीनगर के लिए। ये हमारे उन लोगों के लिए इंतजामिया के लिए जो पीछे यहाँ पे रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या किया, क्या सत्यानाश किया इसका वो आप खुद जानते हो। ये मामूली सी बिल्डिंग, इतना पैसा इतना ये हो रहा है, ये मामूली सी बिल्डिंग इनसे उठ रही है और गेटवे ऑफ गुलमर्ग जो है वो टंगमर्ग है, इतना खूबसूरत ग्राउंड। इस ग्राउंड की आप यकीन नहीं करो, शायद मुझे लगता है ये वर्ल्ड मैप पे ना ये ग्राउंड हो, जब टंगमर्ग आपकी गुलमर्ग आपकी वर्ल्ड मैप पे है तो ग्राउंड भी वर्ल्ड मैप पे होगा। हो सकता है, आप यकीन नहीं करोगे, मैंने अभी अभी सुना है कि गुलमर्ग में कोई डेलीगेशन आया हो, ये भी हो सकता है उनमें कोई इंटरनेशनल ऐसा कोई क्रिकेटर हो, शायद वो ही चाहे कि मैं कल आके यहाँ पे जाऊँ और इन बच्चों का ये देखिए यहाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ बच्चों ने, हमारे बच्चों ने खुद कुछ पैसे अपनी जेब से निकाल के अपने पापा मम्मी से लेके यहाँ पे जो भी मेंटेनेंस किया है वो उन्होंने खुद किया हुआ है। गवर्नमेंट का क्या काम है इसमें, कुछ भी नहीं है। कुछ टेंडर्स यहाँ पे निकली थी, उनकी पता नहीं वो कहाँ गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं इंतजामिया से अपील करना चाहता हूँ, स्पेशली LG साहब से, हमें उम्मीद है LG साहब शायद अगर करेंगे, शायद ये हो सकता है आज यहाँ पे ये डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें, कल ये नेशनल खेलें और उसके बाद फिर इंटरनेशनल लेवल का भी ग्राउंड ही बन सकता है। टंगमर्ग का ग्राउंड जो है ऐसा है, मामूली सा काम है, कुछ ये कोई अरबों का खरबों का नहीं है, शायद मुझे लगता है लाखों में ये काम हो जाएगा और शायद ये स्टेडियम बन जाए, ये ग्राउंड से स्टेडियम बन जाएगा। इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट को तवज्जो देना है। मैं हाथ जोड़ के अपनी जो हमारे DS ये क्या बोलते हैं DC मैडम है, मैं उससे हाथ जोड़ के बोलता हूँ प्लीज़ आप आके टंगमर्ग की तरफ तवज्जो दीजिए, क्योंकि जब आप बोलते हो कि टंगमर्ग एक टूरिस्ट प्लेस जगह है, वर्ल्ड मैप है, कहाँ है, यही वर्ल्ड मैप है, यही खुशबू, यही आप इस वक्त यकीन नहीं करोगे, 5 मिनट आप यहाँ खड़ा रह के आपके सर में जो है सर आपके घूम रहे हैं। ये मैं अपील करना चाहता हूँ, ये मुझे क्या लग रहा है, ये यहाँ के उन आदमी को भी लग रहा है जो इस चीज़ को मतलब जो सफाई करने वाले उनको भी ये लग रहा है, तो मेरी तो बात ही नहीं है, इन लोगों की तो बात ही नहीं है। मेहरबानी करके आप क्या बात, हम जब जाते हैं वो तो टस मस नहीं होते हैं, इसलिए हम हाथ जोड़ के अपनी DC मैडम से अपील करना चाहते हैं, मेहरबानी करके इस चीज़ के लिए तवज्जो दिया जाए और स्पेशली इस ग्राउंड के लिए, हमारे हॉस्पिटल के लिए, हमारे ये जो आप देख रहे हो डंपिंग कहाँ डाला है पूरा, जो भी गुलमर्ग का चाहे टंगमर्ग का जो भी गंदा वो एक, और ये भी है ना कि किसी दूर इलाके में डाला जाए, आप थोड़ा हमारे साथ चलो, मेन मार्केट में वो उसका डंपिंग जो है वो किया हुआ है, ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। बाकी फर्स्ट ऑफ दिस इज अ वेरी शेमफुल एक्ट, दे मेड ऑन द मेन मार्केट डंपिंग साइड बींग अ टूरिस्ट प्लेस दिस फेमस थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड पीपल कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, नॉट डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स एंड फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड to visit Tangmarg, particularly Gulmarg, and this is a very shameful act. They have made this main market as a dumping site. Today was a semi-final game here, and we saw just a similes everywhere. Tangmarg was famous to breathe fresh air, but today we see this dumping site and people
were coming were present here from different areas, and they just made this that it's a very shameful act of the municipal committee Tangmrak. They made this dumping site, and we appeal the DDC Tangmrak, particularly DDC DC Baramula, please remove this dumping site as soon as possible, so that we can take fresh air and we can breathe. इंसानी जानों को खतरा है कि मैं पहले ही कह रहा हूँ, एक टूरिस्ट प्लेस थी, बहुत ही अच्छी जगह थी, लोग बहुत डिफरेंट एरियाओं से आ रहे थे, तो जब आप इसी जगह को डंपिंग साइट बनाओगे तो लोगों को जो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। अगर हम टंगमर्ग की बात करेंगे, टंगमर्ग को गेटवे ऑफ गुलमर्ग का लकब हासिल था, आपको क्या लग रहा है आज वो हैसियत ये इसके बरकरार है? नहीं, जैसे लग रहा है कि ये जब से इन्होंने इसको डंपिंग साइट बनाया है, ये एक टूरिस्ट प्लेस थी, फेमस थी थ्रू आउट द वर्ल्ड। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी शेमफुल एक्ट एंड वेरी शेमफुल एक्ट, एंड दिस साइट शुड बी रिमूव्ड, एंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टंगमर्ग शुड चूज अ सेपरेट एरिया वेयर दे। अच्छा मुस्तकबिल बनाना सबका सपना होता है, इसीलिए बेहतर शिक्षा और बेहतर मुस्तकबिल के लिए चुनिए देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस श्रीनगर, जहां आपको बीएससी मेडिकल लैब, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी रेडियोलॉजी, बीएससी फिजियोथेरेपी, बीबीए, बीसीए, बीए, एमसीए, एमएससी ओटीटी, एमएससी आरआईटी, एमएससी एमएलटी, एमपीटी जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज स्कॉलरशिप के साथ करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट 31 अगस्त 2023 है, आज ही अप्लाई करने के लिए www.dbucoe.com पर रजिस्ट्रेशन करें। देशभगत यूनिवर्सिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लावेपुरा श्रीनगर, कॉन्टेक्ट अस ऑन 9419234559 और 9682666329।